जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्य पर भगवान की कृपा चारों तरफ से बरसती है। प्यारे भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा हर मनुष्य चाहता है। वैसे तो भगवान की कृपा हर मनुष्य पर बरसती है प्यारे भक्तों, लेकिन चारों तरफ से जिस मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा बरसती है वो कोई खास मनुष्य होते हैं, उनमें कुछ खास गुण होते हैं। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, उन्हें ना तन की शुद्ध है ना अपनी देह की शुद्ध है, तो प्यारे भक्तों उनके ऊपर भगवान की कृपा चारों तरफ से बरसती रहती है। प्यारे भक्तों, बहुत से मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि अगर धन की प्राप्ति हो गई और हमारे घर में सुख शांति है तो ये भगवान की कृपा बरस रही है। प्यारे भक्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस चीज़ को हम सुख समझते हैं, जिस चीज़ को हम भगवान की कृपा समझते हैं, वास्तव में पहली बात तो वो सुख है नहीं, क्योंकि सुख तो कुछ और ही होता है। सुख, असली सुख, परम सुख वो होता है जिसकी तुलना में कोई और सुख हो ही ना, और जो कभी एक बार मिलने के बाद कम ना हो, वो होता है परम सुख। और जो हमें ये सुख मिलता है, ये सुख नहीं है, ये हमारे दुखों का कम हो जाना, उसी को हम सुख कह देते हैं। और वो फिर कुछ दिनों के बाद वापस कम हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं, तो ये सुख नहीं है और ना ही ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा को जो समझता है, कई कमेंट आते हैं, जो मनुष्य समझते हैं वो इतना जानते हैं कि धन प्राप्ति ही भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा तो वो परम सुख है जो एक बार होने के बाद कभी कम नहीं होता। प्यारे भक्तों, और जिसके ऊपर वो कृपा हो गई वो मनुष्य प्यारे भक्तों हर पल आनंदित रहता है, हर पल। क्योंकि प्यारे भक्तों, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, भगवान की कृपा होने के बाद भी ऐसे मनुष्यों के जीवन में कोई भी दुख आ गया, यानी कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, वो किस लिए आ गई? अब आप कहेंगे कृपा हो गई तो बीमारी क्यों आई, समस्या क्यों आई? ये सब हमें हमारे कर्मों की वजह से प्राप्त होते हैं, हमारे प्रारब्धवश। अब प्रारब्धवश दुख मिल गया, समस्या मिल गई, तो ऐसे मनुष्यों पर उसकी ऐसी कृपा बरसती है प्यारे भक्तों कि वो दुख में भी सुखी रहते हैं, दुख में भी आनंदित रहते हैं। बाहर से दुनिया को दिखने के लिए दुखी हैं वो, लेकिन उनके अंदर अथाह आनंद, अथाह सुख होता है हर पल। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कैंसर थी, गले की कैंसर थी उनको, दुनिया को दिखने के लिए उनको बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन प्यारे भक्तों वो इतना आनंदित रहते थे, और माँ काली के इतने बड़े भक्त थे कि माँ के साथ प्रतिदिन भोजन करते थे वो। उसके बाद भी उन्होंने माँ से ये नहीं कहा कि मेरा दुख दूर कर दो, क्यों कहूँ मैं माँ से दुख दूर करने के लिए? उन्होंने कहा माँ को सब पता है कि इस दुख में ही मेरा सुख है, और मुझे किसी प्रकार का अंदर से कोई दुख है ही नहीं, मैं हर पल आनंद में रहता हूँ, तो मैं माँ को क्यों परेशान करूँ, माँ जानती है मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिनको असाध्य बीमारियाँ थी और उसके बाद भी वो आनंदित रहे हैं। महर्षि रमन थे, उनके भी कैंसर में फोड़ा तब्दील हो गया था। ऐसे ही और भी बहुत से संत थे, लेकिन वो जो है हर पल आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा की बारिश हर पल होती रहती है चारों तरफ से। और ऐसे मनुष्य प्यारे भक्तों दूसरे का दुख देखकर दुखी होते हैं, वो समझते हैं कि ये दुख हमें ही हो रहा है। सुखी, अगर कोई मनुष्य को सुख मिलता है तो वो सुख में सुखी होते हैं, लेकिन दूसरे को ना तो वो दुख दिखाते हैं ना सुख दिखाते हैं, होते वो दुखी भी हैं दूसरे के दुख को देखकर, और सुख को देखकर खुशी होती है उनको। तो ऐसे ही मनुष्यों पर भगवान की कृपा चारों तरफ से बरसती है निसंदेह प्यारे भक्तों।
तो प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर भी भगवान की कृपा चारों तरफ से बरसे, तो भगवान के नाम को कस कर पकड़ लो और कभी भी नाम जप को छोड़ना नहीं है, भक्ति को छोड़ना नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आ जाए, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको भी अंदर से परम सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो उसके नाम को पकड़ लेता है वो उसका अनन्य भक्त हो जाता है धीरे धीरे रास्ते पर चलते चलते, और उसकी अनवृत कृपा का पात्र बन जाता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।